हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी आरवीएनएल में TG2 क्या काम करता है, पोस्टिंग कहाँ मिलती है, सैलरी कितनी मिलती है और प्रमोशन का प्रोसीजर क्या है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए आप ही लोगों की रिक्वेस्ट आई थी। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि यूपी आरवीएनएल में TG2 का क्या काम होता है, इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाकर बताइए। तो इसीलिए आप लोग के लिए वीडियो बनाई गई है। तो आप में से अगर कोई ऐसा हो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, उसको ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बात करें अगर कि यूपी आरवीएनएल में TG2 क्या काम करता है, तो चाहे यूपी आरवीएनएल हो, चाहे यूपी पीसीएल हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर TG2 के लिए इलेक्ट्रीशियन ITI इलेक्ट्रीशियन की भर्ती की जा रही है तो TG2 सब जगह एक ही काम करता है, वो है सब स्टेशन ऑपरेटर का, यानी SSO का। तो UPPCL में भी SSO का काम करता है और UPRVNL में भी SSO काम करता है। बाकी डिटेल जानकारी के लिए कि एग्जैक्टली क्या क्या करना होता है एक SSO को, इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको ऊपर में दिख रहा होगा, तो आप लोग उसको जाकर के देख लीजिएगा, उसमें कंप्लीट जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं कि जो UPRVNL है, इसमें जो TG2 है, इसकी सैलरी कितनी होती है और कितना वेतन इसको मिलता है। तो अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उस नोटिफिकेशन में क्लियरली वेतनमान से रिलेटेड एक स्लैब दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है, जिसको आप लोग की स्क्रीन पर आ रहा होगा तो आप लोग देख करके पढ़ लीजिए। TG2 के सामने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, 27,200 से 86,100। तो यानी आप देख सकते हैं जो इसकी सैलरी होती है वो 27,200 से 86,100 के बीच में इसका सैलरी होती है, और लगभग मान के चलिए कि जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 30,000 के आसपास में एक TG2 की होती है। अब बात करते हैं कि पोस्टिंग कहाँ मिलती है। तो सबसे पहले आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि जो UPRVNL है, उत्पादन निगम है, इसके कितने प्लांट्स हैं यूपी में और कहाँ कहाँ पर हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है लिख करके, अनपुरा थर्मल पावर स्टेशन। तो इनके मेन जो पावर स्टेशन हैं उनकी लिस्ट आपके सामने दिख रही होगी। सबसे पहला है आपका अनपुरा थर्मल पावर स्टेशन, ये आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, अनपुरा उत्तर प्रदेश में। अनपुरा थर्मल पावर स्टेशन अनपुरा में है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। ये वाराणसी से 180 किलोमीटर दूर है, वाराणसी शक्तिनगर रूट पर, और इसकी जो थर्मल जो टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 3850 मेगावाट है, और उसमें टोटल 9 यूनिट्स हैं। दूसरा जो इनका आरवीएनएल का जो एक थर्मल पावर प्लांट है वो आपका हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन है, ये आपका अलीगढ़ में है। और हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन कासिमपुर पावर हाउस कॉलोनी से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, हरदुआगंज रेलवे स्टेशन के पास में, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और 18 किलोमीटर है अलीगढ़ से और 105 किलोमीटर है आगरा से। इसकी जो कैपेसिटी है वो आपकी 665 मेगावाट है, और जो इसमें प्राइमरी फ्यूल है यानी जो उत्पादन के लिए जो फ्यूल यूज किया जा रहा है वो आपका कोयला है। इसके बाद आप देख सकते हैं तीसरा जो है वो आपका पनकी थर्मल पावर स्टेशन है। पनकी थर्मल पावर स्टेशन पनकी में है, कानपुर में, और ये जो पनकी थर्मल पावर स्टेशन है ये 16 किलोमीटर दूर है कानपुर से, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 220 मेगावाट की है, और इसको उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम चला रहा है। इसके बाद है आपका परीक्षा थर्मल पावर स्टेशन। परीक्षा जो थर्मल पावर स्टेशन है ये आपका झांसी में है उत्तर प्रदेश में, और परीक्षा थर्मल पावर स्टेशन परीक्षा में है झांसी में, जो कि 25 किलोमीटर है झांसी से, बेटवा रिवर के पास में है। पावर स्टेशन जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम चला रहा है। इसके बाद है आपका ओबरा ताप विद्युत गृह, ये ओबरा में है उत्तर प्रदेश में, और ये वाराणसी से 125 किलोमीटर दूर पर है, वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर। ये थे आरवीएनएल के वो प्लांट्स जहां पर आरवीएनएल पावर जनरेट करता है, और इन्हीं प्लांट्स में ही पोस्टिंग होती है TG2 की। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका जो पोस्टिंग होगी वो इन्हीं 5 पावर थर्मल स्टेशन में से एक में होगी। तो इन सब सिटीज के अलावा और कहीं आपकी पोस्टिंग नहीं हो सकती, क्योंकि आरवीएनएल के जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ इन्हीं 5 शहरों में हैं।
तो अब बात करें कि यूपी आरबीएनएल में जो TG2 है उसका प्रमोशन कैसे होता है, प्रमोशन का प्रोसीजर क्या है। तो प्रमोशन का प्रोसीजर सेम है एज यूपीपीसीएल। इसमें आपको अगर आप आईटीआई होल्डर हैं तो आपका 10 साल के बाद आपका प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल होते हैं TG2 से JEE बनने के लिए। अगर आपके पास आईटीआई के अलावा डिग्री या डिप्लोमा है तो आप 5 साल में एलिजिबल हो जाते हैं और आपको इंटरनल एग्जाम देना होता है। ये जो आपका इंटरनल एग्जाम होता है इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप JEE के लिए प्रमोट होते हैं। अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा नहीं है तो आप 10 साल के बाद एलिजिबल होते हैं और उसके बाद आपको इंटरनल एग्जाम देना होता है, उसके बाद आपका प्रमोशन होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको बताई गई जानकारी काफी हेल्पफुल लगी होगी और काफी यूजफुल होगी। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो लोग यूपी आरबीएनएल की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड करिए ताकि उनको भी मालूम हो सके कि अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद उनको क्या काम करना होगा, पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिलेगी। तो उससे पहले कि आप लोग ये वीडियो एंड करें, ये भी याद रखिए कि बहुत ही जल्द इलेक्ट्रिकल विजन पे आप ही लोगों के लिए फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो इसके लिए आपको काम ये करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर देना है और इसको जो भी नोटिफिकेशन आए तो आपको उसको देख लेना है। तो तब तक के लिए देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।